है और नाटक हम दिखाएंगे और आज अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सबके दिमाग की खिड़कियों को खोल कर हम जाएंगे। पीरियड पॉवर्टी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। 1 out of every 5 गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी। क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने, जी नहीं, आज हम सब करेंगे डायरेक्ट बात। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एक ऐसा विषय है जिसपे बात नहीं करते, टैबू विषय है, बहुत सारे स्टिग्मास और मिथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज किस मुद्दे पर नाटक दिखाने हैं? आज हम नाटक दिखाएंगे आप सब लोगों को महावारी के विषय में। अरे भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे इस मुद्दे पर तो हमारे समाज में कोई बात तक नहीं करता। भाई साहब बात नहीं करते हैं तभी तो हम बात बताने आए हैं। हम बात बताने आए हैं। पीएनजी विस्पर बहुत सालों से कीप गर्ल्स इन स्कूल नाम का प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें कि स्कूल्स में जा जाके बच्चों को एक क्लासरूम मोड में एजुकेट किया जाता है ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि जो ज्योग्राफीज हमने चूज करी वहाँ पर पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, शर्म बहुत ज़्यादा है। ये शर्माने की बात नहीं है, यही तो बताने आए हैं। महावारी एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्माने और घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। महावारी होना इस बात को दर्शाता है कि औरत स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ है और बच्चे को जन्म देने में सक्षम है। अगर आप लेक्चर के थ्रू समझाते हो, अगर आप कोई वर्कशॉप सेशन कंडक्ट करते हो, सो आई थिंक वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, जिससे नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा सिंपलियर होता है, बहुत ज्यादा इजी मीडियम है किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। जब हम क्लासरूम में ये सेशन करते हैं तो हम लड़कों को बाहर कर देते हैं, सिर्फ लड़कियों को ही बिठाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक के थ्रू जब हमने ये सेशन प्लान किया तो उसमें एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो सामने निकल कर आई कि हम सबको इन्वॉल्व कर पाए। जब हम बात करते हैं खाली लड़कियों की, तो लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी बात आई, टीचर्स की भी बात आई, क्योंकि हमारे गांव के स्कूलों में टीचर्स भी इस विषय पर जागरूक नहीं है, टीचर्स भी इस विषय पर बात करने में हिचकिचाते हैं। स्कूल में क्या हुआ? आज स्कूल में मुझे खून आया और मैं बहुत डर गई थी, तभी मुझे टीचर मैडम ने बताया। क्या बताया? टीचर मैडम ने बताया कि मेरे महीने यानी पीरियड शुरू हो गए हैं और ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में हर लड़की को होता है और इसमें डरने या घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अरे वाह, तुम्हारे स्कूल में ये सब बताया जाता है, सुनते हो जी, तुम्हारी गुड़िया बड़ी हो गई है। So, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा, जैसे ही हम डफली की पर बीट बजाते थे, कॉलिंग करते थे, तो लड़कियां, लड़के, टीचर्स और इवन के आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी स्कूल में आकर नाटक देखते थे। क्या कर रही है तू किचन में? हैं? कितनी बार मना किया तू किचन में क्यों चली जाती है महीने के दौरान? हैं? दादी, हमारे यहां किचन में नहीं जाते महीने के दौरान, अचार को हाथ नहीं लगाते, हां, पूजा नहीं करते, हां, पानी नहीं देते, ग्रामीण परिवेश में जो हमें पात्र देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आशा दीदी, डॉक्टर दीदी, टीचर, दादी, माँ, बहन, इन सबको मिलाकर हमने एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट तैयार किया। डॉक्टर मैडम, ये हमारी बिटिया है और इसको ना कल ही पहला महीना शुरू हुआ है, इसके मन में ना तरह तरह के सवाल हैं, अब हमें तो पता नहीं, आप ही इसके जवाब दीजिए। लगभग हम लोग 50 दिन के अंदर 600 स्कूल में 600 नुक्कड़ नाटक करे और ये सारे के सारे स्कूल जो थे मेनली वेस्टर्न यूपी में थे। ऐसे में हमारा गर्भाशय सिकुड़कर इस परत को गिरा देता है ताकि खून और टिश्यू
योनि मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से आ जाते हैं बेटा बाहर। नुक्कड़ नाटक के मीडियम को अडॉप्ट करना एक काफी ब्रेव डिसीजन था, बिकॉज इट इन्वॉल्व मोर कॉस्ट। हे भगवान, क्या तुझे पता नहीं कि कपड़े का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है? पर कपड़ा ना इस्तेमाल करे तो क्या इस्तेमाल करे? अरे पगली, क्या तुझे पता नहीं आजकल तो पूरी दुनिया सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है, और इसको अपने अंडरवियर पर ऐसे चिपकाना होता है। एंड आई एम थैंकफुल टू पीएनजी विस्पर मैनेजमेंट जिन्होंने इस बात को समझते हुए टू इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। महीने के दौरान अच्छी क्वालिटी के पैड का ही चयन करें। पैड को हर 6 से 8 घंटे में बदले। पैड बदलने से पहले और पैड बदलने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। हमेशा योनि मार्ग से मन मार्ग की तरफ धोए, ना कि मन मार्ग से योनि मार्ग की तरफ। पैड को कभी भी टॉयलेट में ना फेंके। पैड को हमेशा अखबार या पेपर में मोड़ कर डस्टबिन में ही डाले। अगर तुम मासिक स्वच्छता के इन 5 नियमों का पालन करोगे तो इन्फेक्शन से हमेशा बचे रहोगे। ये लड़कियाँ अब अपनी बॉडी को बेटर समझती हैं, अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन कर सकती हैं और होपफुली अब एक बेटर जिंदगी जी सकती है। हमें बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग ओवरवेलमिंग फीडबैक्स मिले। जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्ले करा, स्कूल से घर तक, घर से डॉक्टर का, अपनी दादी का, सबसे स्पेस था दादी का, तो वो कहीं ना कहीं नाटक के थ्रू एक इफेक्ट पड़ा बच्चों का। आज आपने बच्चों को, लड़के लड़की को साथ बिठाया, ये बड़ा अच्छा लगा। देखिए हमारे पूरी टीम आई और टीम ने बहुत अच्छे से बच्चों को नाटक के माध्यम से चीजें समझाई। भैया जो भी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ भैया, बच्चों को जानकारी मिल गई, हम जैसे को जानकारी मिल गई, हम तो पूछ जाओगे मैं तो आज तक कुछ पता ही नहीं था। इतना तो हम भी नहीं बता पाते जितना इन लोगों ने नाटक के द्वारा बताया। मैंने इस नाटक से ये सीखा है कि कभी भी लड़कियों को कुछ दिक्कत हो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों की कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मैंने आज पे नाटक पे यह सीखा कि कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, पैड का इस्तेमाल करना है। वी आर थैंकफुल टू पीएनजी विस्पर फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम। विद योर सपोर्ट will be able to keep more girls in school. Zara pankh khol do fir ud